after my channel. Tissue, tissue, tissue. Lucky, tissue नहीं है. Soap. और अब हम लोग बदीना जा रहे हैं. याद है यहाँ पे last time stop लिया था. So अभी यहीं पर है. अभी यहाँ खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे. फिर half पे देर. Yeah. तो अभी सारे रेस्टोरेंट्स बंद है तो हम लोग वहाँ बाहर बैठ के खाना खाएंगे. और यम्मी पापा अफरा अफरू अफरा टॉम बॉय बनी है. अब्दुल्ला देखो अब्दुल्ला ट्विंस फजर की नमाज के लिए आए हम लोग. अजान हो रही है जल्दी जल्दी चलते हैं. हाँ है वो दिख नहीं रहा यहाँ से. चलो चलते फाती अंदर जाएंगे. चलो नमाज पढ़ने इसने कहा मुझे नहीं चेंज करना पसंद है. मुझे फेस कवर में ज्यादा सही दिखता है फेस मास्क से क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है. अभी भी ऐसा लग रहा है खुल जाएगा. मुझे सही लग रहा है. और अभी नमाज हो गई है और यहाँ पे नमाज के बाद से बच्चा गया है वहाँ से ब्लैक बांध पे बंद कर देते हैं तो इसलिए अभी हम हरम के बाहर है. पापा का वेट कर रहे हैं. ये मास्क लगाना कितना अजीब है. बार बार मेरी आंखों में घुस रहा है. और अभी हम लोग खजूर वगैरह ले रहे हैं कुछ सामान. तो ये वो बस है जो पूरे मदीना के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसका टूर देती है. और हम लोग साल ईद पे गए थे ना. हाँ पिछले साल ईद पे हम यहाँ थे पर जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी पर मेरे पास कुछ क्लिप्स है वहाँ की. सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. अनिका जा रहे हैं. यहाँ कोई होटल्स का कुछ नहीं पता है क्योंकि वो भी बंद हो गई है. तो अभी चलो चलते हैं देखते हैं कौन सी होटल में जाएंगे. मैं बीच में बैठी हूँ. बड़ी साहब बड़ी साहब बंटाई क्या. बड़ी साहब बड़ी साहब. अब भी लग रहा क्यूट दिख रहा मातू. अभी हम अल उला जा रहे हैं और रास्ते में खैबर का किला आता है जो पहाड़ के उस पार है मतलब दूसरे पुराने रोड पर. और हम नए रोड से जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वहाँ पे भी जाएंगे. सारी पानी
लोग जा रहे हैं मदाइन साले। तो अभी हम रास्ते में हमारा फर्स्ट टाइम है। हाँ, पहले अलूला जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। पूरा भी ऐसे है। चलो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, हमें पहुँचने में ऑलमोस्ट 2-3 घंटे है। क्या कर क्या रहे हो? टप के अंदर डाल। ओह माय गॉड, हाँ हो गया। अरे अरे मास्क हटाना। नहीं मास्क क्यूट दिख रहा। मदीना और अल उला के बीच में इतने सारे डिफरेंट तरीके के पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, कुछ पत्थर के हैं तो कुछ मिट्टी के हैं, सैंड के हैं, एंड इतना प्यारा लगता है ये सब। एंड स्पेशली सऊदी इज़ नोन फॉर दिस, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल दैट व्हेन यू सी माशाल्लाह कि यू जस्ट वांट टू सी द व्यू, स्पेशली इन मॉर्निंग। रात में इतना क्लियरली नहीं दिखता, बट जब आप दिन में निकल रहे हो तब। और हम लोग अब अल उला पहुँचने ही वाले हैं। मदीना से अल उला 4 घंटे का रास्ता है, एंड स्टॉप लिए तक 4.5 लग जाते हैं, बट इट्स वेरी गुड, दिस जर्नी वाज अमेजिंग। एंड अभी हम अल उला पहुँच गए हैं, और ये अल उला की एंट्री है, एंट्री साइड में। और यहाँ पे भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो आगे चल के हम देखेंगे और आपको भी दिखाऊँगी। तो चलो चलते हैं अब अंदर। और अभी हो रही है जहर की, आई मीन जुमे की नमाज़ होंगी, फ्राइडे है आज। तो लोग पहले कहीं पर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आगे एडवेंचर करने जाएंगे। सो या लेट्स गो एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ अल उला। ऑल्सो गाइज, बहुत सारी जगह हम सिर्फ कार में ही थे, हम बाहर नहीं निकले क्योंकि कार से भी अच्छा ही व्यू आ रहा था। यू नो यू जस्ट हैव टू वॉच दिस ऑल, सो दैट्स इट। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें कार से ही दिखा रही हूँ, मैं उतर के नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट माउंटेन एंड यू कैन जस्ट सी फ्रॉम फार अवे। सिटी अल उला जो पूरी सिटी पहाड़ों में घेरी हुई है और बहुत प्यारी है। जैसे हम एंटर कर रहे हैं आप भी खुद देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे माउंटेन्स हैं और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एडवेंचर करने के लिए। बहुत छोटी सी सिटी है बट बहुत प्यारी है। सो या अब चलते हैं जल्दी। अब हम जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और
यहाँ से फिर लंच करने जाएंगे क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो बंद है, मतलब से खाना बाहर ले जा सकते हैं, तो इसलिए चलो अब ये आ रहा है अलूला का ओल्ड टाउन, जो पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे उनका मिट्टी का घर है ये, और यहाँ से आगे हम मदाइन साले हैं। सो ये पूरा अलूला का ओल्ड टाउन है, ये टाउन 2000 साल से भी पहले का है आई गेस सो। हाँ, और मैं यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाल देती हूँ ताकि आपको पता चले, और इससे आगे मदाइन साले है। अब इस साइड आते हैं हम लेफ्ट साइड में, ये भी पूरा ओल्ड टाउन है ये सब, और ये अंदर भी जा सकते हैं, बट पता नहीं उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, शायद इस बार बंद है आई गेस, हम लोग इस टाइम आए हैं तो, बट सामने चेकिंग है तो हमें वो अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इसलिए हम नहीं जा सकते, बट बाहर से ही आप देख लीजिए पूरा ऐसे, और ये ओल्ड मस्जिद है उस टाइम की जो कुछ मिट्टी से बनी हुई है, और ये है मस्जिद, और हमें अंदर जाना था बट दे आर नॉट लेटिंग अस टू गो इनसाइड, आई डोंट नो व्हाई, बट या सो यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। पार्क में आया खाना खाने के लिए, क्योंकि होटल्स में तो अलाउड नहीं है खाना खाना, तो इसलिए हमने खाना ले लिया और अपन यहाँ बैठते हैं। माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। तो पहले हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ी मस्जिद में, यहाँ पर पास में ही थी, उसमें वुमेंस का भी था, तो हम लोग ने नमाज़ पढ़ी जुमे की, और यहाँ से हमारा खाना हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं मदाइन साले, तो चलते हैं। ट्विंकलिंग ट्विंक पे इतने सारे डिफरेंट शेप के माउंटेन्स है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के फार्म्स भी है जिसको हम मजरा बोलते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से मदाइन साले आगे ही है कुछ दूर पे, और यहाँ पर बीच में इतने सारे माउंटेन्स ये सब है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, आप लोग भी देख रहे हैं कितने अलग है जो कि नॉर्मली नहीं देखने मिलते हैं, सो दिस इज़ समथिंग स्पेशल ओवर हियर एंड या। ये देखो
हम आगे गए तो हमें भी उन्होंने एंट्री यहाँ पे भी नहीं दी। उन्होंने बताया हम लोगों को कि जिस पार्क में हम खाना खा रहे थे वहाँ पे टिकट सेंटर था एंड वी डिडंट नो दैट, मतलब वो दूसरी साइड में था, तो हम वहाँ से टिकट लेकर फिर यहाँ आना है और फिर ही आप देख सकते हो। तो अभी हम वापस वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग मदाइन साले गए थे बट वहाँ एंट्री नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बस की जो ये टूर्स बस है इससे जा सकते हैं हम, सॉरी इससे, तो इसलिए और टिकट्स फुल हो गई, सच बैड लक। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सब जाएंगे अभी के लिए यहीं पे। बहुत इन्जॉय किया बट स्टिल आई होप आई कुड सी दैट थिंग फॉर व्हाट आई एम लुकिंग। इन लोगों की ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग एडवांस बुकिंग कर सकते हो सो दैट यू डोंट हैव टू कम ओवर हियर एंड गेट दिस एक्सपीरियंस आई डिडंट नो, तो इसलिए क्या बहुत स्वीट है वो। अफरू दिखा तेरा आइसक्रीम कहाँ से हाथ। अब्दुल्ला और अफरा फिर से ट्विंकलिंग कर रहे हैं और मॉमी और मोहम्मद और पूरा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आएंगे तो ऑनलाइन एडवांस में बुकिंग करके आइएगा एंड जो एडल्ट है उनकी 95 पर पर्सन है और जो टीनेज है उनकी 45 रियाल है। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। तो अब हमारा लास्ट स्टॉप अलोला से आने के बाद अभी मदीना वापस जा रहे हैं और मैं चॉकलेट आइसक्रीम खा रही हूँ और साथ में तिलावत लगी है और मोम भी आइसक्रीम खा रहे बिकॉज यहाँ बहुत गर्मी है। सो या यू शुड हैव वन बाइट। तो अब हम मदीना पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर एक बहुत प्यारा मेला लगा है बट मैं ये आपको पार्ट टू में दिखाऊंगी पूरा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड पार्ट टू में हम मदीना से बद्र और यम्बो जाएंगे, तो डू वॉच।